आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में व्हाइट सॉस की। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए प्याज ली हमने और इसमें हमने लौंग लगा ली है। ये देखिए 10-12 लौंग लगा दी प्याज में। हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। ये देखिए दूध लेंगे और दूध इसमें हम ले लेंगे 2 लीटर। ये देखिए 2 लीटर दूध लिया और ये तेज़पत्ता और ये हमने इसमें प्याज डाल दी। इसको अच्छे से पका लेंगे। 2 लीटर दूध लिया है, आप जितने दूध का बनाना चाहें उतने दूध का बना लें। ये बटर लिया हमने, 100 ग्राम बटर लेंगे और 100 ग्राम मैदा लेंगे। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बटर। ये देखिए दोनों 100-100 ग्राम लेना है मैदा और बटर, और इसको इस तरीके से अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए इस तरीके से स्लो फ्लेम पे पका लेंगे हम। एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है व्हाइट सॉस के लिए। चलाते रहना है ना तो लग जाएगा नीचे। 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम मैदा और ये दूध हमारा पक चुका है। इसको हम छान लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें हम डालेंगे। ये देखिए और इसमें पड़े कि देखिए अभी हमारा पकने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। जब पक जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, पूरा खिल जाएगा, बटर खुल जाएगा। और हम डालेंगे दूध धीरे धीरे, इस तरीके से दूध डालते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूध डालना है, धीरे 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 डालना है ना आपकी गुठली पड़ जाएगी इसमें। ये देखिए तो इस तरीके से हम इसको व्हाइट सॉस को बना लेंगे। और अगर ठीक लगता है तो इसमें आप थोड़ा वो भी डाल सकते हैं। ये हमने व्हाइट सॉस बना लिया। अब इसको हमें जब भी जो आइटम बनाना है तो इसको उसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। व्हाइट पेपर, सॉल्ट पेपर और शक्कर, जायफल, जायफल का थोड़ा सा पाउडर। तो जब कोई आइटम बनाएंगे जब डालेंगे व्हाइट सॉस को हम ऐसे ही रखेंगे और इसको 3-4 दिन रख सकते हैं। इसमें मसाले मिला देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऊपर हमने बटर डाला है, वो इसलिए डाला है कि पपड़ी ना जमे व्हाइट सॉस की। और ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी। और इसकी आपने दूसरा आइटम